सोना तय भी बस कर दे, बहुत थक गए, चल घर चले। जब तक दस से पानी की धारा ना फूटे, ये दस धीरे पड़ो। दोपहर माँ एक लोटा पानी हम लोका ने पिया था, अब तो हलक में कंडे लग रहे हैं। अरे ये पानी कहाँ से? ए सोना, ए चांदी, सोना पानी दे इसे, पतलू। होश में आ, सोना पानी पी, सोना। सवाल होश में आ, चांदी जरा देख क्या हुआ। सोना होश कर। पानी कहाँ से लाई तू? भूरी पानी लेके आई है बड़े बर्तन में बावली से, के पानी पिया है बस्ती में, बच्चा मैंने भूरी ने, बस डोर डंगर प्यासे रह गए। ते होर पानी पी सोना। पतलू तू भी पानी। कृष्णु, एक बार बादशाह साईं ने मन ने समझाया था, पक्का हुआ फल मीठा हुए है। मन ने वो बात अपने पल्लों से बांध के रख ली। साईं चंदो घासिया, दस्त के दामन में फैली बस्तियां में पैसे और सपने एक साथ बांटे हैं। अगर उसके वोटा पक्के हो गए ना, तो कृष्णु के वोटा का बक्सा खाली रह जाएगा। ते पगला गए हो कृष्णु। चंदू घासिया लोका में पैसा तो बांट सके है, पर ठंडा और मीठा पानी बांटना उसके बस का काम ना है। प्यास के मौसम में थारे वोटर की औकात एक लोटे की ये है। सब बिक जावेंगे, बिक जावेंगे सब। साईं, सारे थारे मुरीद है। तू कृष्णों की गाड़ी में छप्पर खट के बाजारा के दो चार चक्कर लगा देवे तो सब जो कृष्णु जीत गया। मारी मानता जा, अपनी करता जा, जीता रहा मुकद्दर होवेगी। ये दुनिया लेन देन पे चले है, कुछ लिए जा कुछ दिए जा, कर भला सो हो भला सबका भला। साईं जी, असल सियासतदान तो तन्ने होना चाहिए। कृष्णु, ये दुनिया एक तमाशा है, थारे जैसे बंदर नाचे हैं, मारे जैसे नचावे हैं। तुम मने बंदर समझे? समझो ना, बंदर है तो तमाशा जो करे। चप्पर खटका थानेदार मान ने झुक के सलाम तो करे है, पर उसके मन में अक्कड़ है, मन में खोट लागे। माने एक कागज की मार है वो थानेदार, सही तारा हुक्म होवे तो साले को काले कोस फेंक दे, जहां से तारी बावली का पानी भरना आवे तो उसके पांव में छाले पड़ जावे। ना कृष्णु ना, जब तक इलेक्शन जीत के आवेगा और अपनी कुर्सी पर बैठेगा ना,
तो थानेदार की कुर्सी पे किसी और को बिठा देंगे। साईं भानु लोकां के बंदे से इस बार पक्की बात करनी है। मशीना का मैंने उनसे वादा किया था, इब पानी की बात हो गए, सरकार इतनी जल्दी मशीना ना दवे है। बस्ती में दो चार लोग प्यास से मरने दे, जब जनाजे उठेंगे ना तो भावताव भी हो जाएगा, पंचायत लगेगी, तारे वट्टा की बात भी हो जाएंगी। कर भला, सहू भला, सबका भला। पंच भी सोच विचार करे और थम लोग भी सोचो, तब पानी नहीं मिलता, धंधो बंद होगा और भूख प्यास सर पे खड़ी तबल बजावे। अरे मारा साईं, मारा धरना साईं, दो बाल्टी पानी खरात में भी देने को राजी नहीं है। इब बताओ, इब के करना? इब के करना, इब मरना होवेगा ना, और वैसे भी हम जैसे लोग और कर भी क्या सकत। झांगा बस्ती यहां से 6 कोस दूर है। 25 साल पहले वहां एक खोदिए ने कुआं खोदा था, पानी खारो है पर प्यास बुझावे है। हम लोगों को भी बस्ती से 5-6 कोस दूर कुआं खोदना चाहिए। दूर है पर जमीन के नीचे पानी जरूर है। कुआं खोदन में भी महीना लग जावेगा, फिर तो जो बस्ती में बचेगा वही पानी पीवेगा। हमारे को पैसों का इंतजाम करना होवेगा। हम लोका साई की बावली का पानी खरीदेंगे, आधा उधार आधा नकद। तुम ये बात समझो, तरकीब मेरे कन्ने है। क्या तरकीब हो गए खशनु जी, हम का बताई दो। ये थारे समझने की बात नहीं है, साईं के लक्षण हम जाने हैं। साईं की कचहरी अगली जुमेरात को उसकी हवेली में है। साईं घुंघरू बांध के नाचेगा। बस्ती की जबान जिन लोगों के मुंह में है ना, वो हवेली में पहुंच जाए, हारो मसलो हाल हो जावे। कशनू सरकार के हवेली में बात करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होएगा। क्या बतावेगा? उसको तो हमारो वोट चाहिए है, वो इलेक्शन जीतना चाहे है बस। भाई उनकी गरज के पीछे तो हमारी भूख और प्यास छुपी बैठी है। हमारे करने तो उनकी बातों का जवाब रोटी और पानी है, पर वोट उसी को मिलेंगे जो भाणो बस्ती की प्यास बुझावेगा। हमारो नजर में तो कृष्णु सरकार और वो घासिया सरकार दोनों एक बराबर होवे, दोनों किसी काम के ना होवे।